आदाब मिसेस हुस्नी, क्या लेना चाहेंगी? मुझे पहचान तो लिया होगा। हाँ? टीवी में देखा होगा। नहीं, सच में नहीं। हाँ? क्या सच में नहीं? ट्राड, वो बेहद मशहूर फंदेबाज। कौन? तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? टीवी पर छोटे बड़े जानवरों को फंसाने वाला, जानवरों से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। तुमने टीवी पर देखा होगा, मुझे पता करने दो, यही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। खलील, कहो क्या बात है? चलाओ इसे। वाकई? फिर से? हाँ, इसे फिर से चलाओ। सहारा की रेतीली जमीन से और पैसिफिक की गहराई तक हमारा फंदेबाज ट्रेड, जो मौत को देता है, चकमा और बहुत ही मशहूर है। देखो। देखो, रुको जरा। जब तक ये सब वर्णन ऑरिक्स को काबू करने की कोशिश करते हुए शर्म के मारे गिर नहीं जाते, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये वो वीडियो नहीं है जो मुझे इसे दिखाना था, खलील। तुम जोर से नहीं हंसते तो। अगर मैंने ऑरिक्स को एक और शॉट मारा होता तो, अगर अब वो यही होता, अगर वो यहाँ होता। देखो देखो। अरे नहीं, ऑरिक्स, मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा। चलो इसकी नस्ल पता करते हैं। इस ऑरिक्स की नस्ल क्या है? ज्यादा दूर नहीं होगा। मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता होता कि तस्वीर सब पर जाहिर हो जाएगी? क्या? अब पूरी दुनिया इस मासूम गोल्डन ऑरिक्स को देखने के लिए आएगी। ये खत्म हो जाएंगे और इसकी गुनहगार मैं हूँ। शम्मा, रुको। और वो नमूना फंदेबाज ट्रेड कहता है, वो आकर इस मासूम जानवर से कुश्ती करेगा। कौन? तो हमें किसी भी तरह इस ऑरिक्स को पकड़कर किसी महफूज जगह पर रखना होगा। अरे बैठे मत रहो, कुछ कहो भी। हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? आसान है, वो खाता पीता तो जरूर होगा ना। हाँ बढ़िया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कुछी कुछी। तो क्या ये सच है? वो अभी भी जिंदा है? ट्रैक्टर तैयार करो। मेरी बात सुन रहे हो ना खलील? तार को निकाल दो खलील, वापस आओ, यहाँ आओ खलील, खलील। हाँ? तार को निकाल दो खलील। वो देखो, वो शायद फंस गया। पता नहीं, वो तो मुझे महफूज लगता है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं, ट्रैक्टर्स को यहीं छोड़ देते हैं। क्या मसला क्या है? क्या इतनी चढ़ाई भी नहीं कर सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। पानी पानी। गर्मी, पानी पानी, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जूस है, अंगूर, हाँ सेब का। ठीक है चलो, अब तैयार हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तैयार हूँ। तो फिर चलो। हाँ यहीं रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। तैयार? ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। बैग में टेप्स कहाँ हैं? वो उसी की जेब में है। और बैटरीज? वो उसी जगह पर है। क्या वो चार्ज्ड हैं? हाँ, तुम शुरू करोगे भी या नहीं? दरअसल मुझे रोशनी पसंद नहीं। चलो भी। ओके ओके, एक्शन। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ने वाला हूँ। इस पजामे में? ये पजामा नहीं है। मुझे तो पजामा ही लगता है। ये ऐसे काम के लिए अच्छे है, ये तुम कभी नहीं समझोगी। पजामा, पजामा। हाँ बिल्कुल पजामा, पजामा, पजामा। हाँ मैंने सोचा वो भी पजामा थे। पजामा हो या नहीं, तुम कैमरा मेरे जानिब करो ताकि मैं इस गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ सकूं। दुनिया भर के लोगों की दिलजोई के लिए मुझे करना होगा। मुझे ये कुछ छोटा मालूम होता है। पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये गोल्डन ऑरिक्स खत्म होने को है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी माँ है और वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही। हाँ? तो वो तुम ही हो? Oh. मालिक फिक्र मत करो, फिक्र मत करो मालिक, सब टेप हुआ है। सच में? मुझे दिखाओ। भाड़ में जाए टेप। मैं उसे तलाश करूंगा और बदला लूंगा, चाहे तमाम दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दरअसल अगर तुम गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर डालोगे तो तुम इसकी तमाम नस्ल को एक बार फिर खतरे में डालोगे, और इसे खत्म करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें। और ये जिम्मेदारी है हम सब की। याद रखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुतालिक एक दिलचस्प मजमून है वर्ल्ड नेचर वेबसाइट पर, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो बताइए, ईमेल क्या है? अब ये बताओ ट्रेड, इस रेगिस्तान में इतनी भाग दौड़ करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं कह सकता हूँ कि सभी गोल्डन ऑरिक्स खत्म हो गए हैं। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर महज झूठ है। यकीनन गोल्डन ऑरिक्स अब महज एक अफसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मा, तुम्हारा भेजा मजमून बेशक बेहतरीन होगा। हाँ, बेहतरीन मजमून, लेकिन उसके साथ एक और मजमून था जिसने उसकी जहनियत को बदल दिया होगा। एक और ये वीडियो जो फोन से उतारी थी। देखो बच्चों, करेंसी सबलात इंडोनेशिया के बड़े नेशनल पार्क्स में से एक माना जाता है। ये सुमात्रन गैंडों का घर है जो अब खत्म हो चुके हैं, समझे? लेकिन पार्क में और भी मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, जैसे कि धब्बेदार तेंदुआ, भालू और तैपियर, और हजारों किस्म के परिंदे और प्राइमेट्स। और बियाबान में एशिया के बहुत ही खतरनाक और बड़े जानवर रहते हैं, जैसे सुमात्रन हाथी और सुमात्रन बाघ। लेकिन कहते हैं कि एक जानवर ऐसा है जो हाथी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और बाघ से ज्यादा खतरनाक है। उसे यहाँ पर ओरांग पेंडेक कहते हैं, और यहाँ इसका मतलब है छोटे कद का आदमी। लेकिन इससे बिल्कुल भी धोखा मत खाना, इस नाम में बहुत बड़ा धोखा छुपा है। वो देखने में बहुत ही भोला और बहुत शरीफ दिखाई देता है, मगर दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही चालाक, अक्लमंद और बहुत ही फुर्तीला खतरनाक जानवर है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, जिसने उसे देखा कुछ बताने के लिए वो फिर जिंदा नहीं बचा। फिक्र मत करो दोस्तों, ये महज एक अफसाना है। तुमने देखी एक पट्टीदार बुलबुल। जल्दी देखो मैं क्या करता हूँ मंसूर। तुर्की, क्या तुम ये कर सकते हो? ठीक है, मैं ये भी करके दिखा सकता हूँ। आओ दोस्तों, बाकी लोगों से मिलते हैं। बाकी सब है कहाँ? लगता है उन्हें बाघ ने खा लिया, या फिर उन्हें खा गया ओरांग पेंडेक। उन्हें ना तो बाघ ने खाया होगा ना ओरांग पेंडेक ने। खैर, ये ख्याल के सिवा कुछ नहीं है। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं, आगे रास्ता बंद है, हमें वापस जाना होगा। हम यहीं रुक सकते हैं, ये काफी अच्छी जगह है। दिमाग तो ठीक है, हम यहाँ हरगिज नहीं रुक सकते। अगर वापस गए तो बाघ का निवाला बन जाएंगे या खा जाएगा ओरांग पेंडेक। एक मिनट, मैंने वहाँ पे कुछ देखा है। मंसूर! ओरांग पेंडेक ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो भी, क्या बेवकूफी है उबैद। कमाल है। वाह क्या बात है, एक पोशीदा मंदिर। कमाल है दोस्तों, यहाँ तो सोना, ऐसे मंदिरों में बहुत सोना होता है। मैं साफ कहने वाला था, आओ चले। हरगिज नहीं, हमें वहाँ चल के देखना चाहिए, सोना भी ढूंढना चाहिए। ये कैसा गुरिल्ला है? चिंपांजी? गुरिल्ला? ये चिंपैंजी और गोरिल्ला तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये ओरांगुटान है। जो भी हो, बिल्कुल असली लगता है, और लेकिन इसका रंग क्यों जुदा है? तुमने वो देखा? क्या? बुद्ध ने आँख चपकाई। क्या मतलब उबैद? एक मिनट, वो बुद्ध नहीं है क्या? तो फिर ये क्या है? ये ओरांग पेंडेक है। चलो भागो। देखो देखो, पकड़े रहना। अब हम क्या करेंगे? हम यहीं रुक जाते हैं और उसे भूख लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, भूख नहीं, मत खाना, हमें मत खाना। कोई भी जुम्बिश मत करना। हॉर्नबिल? ये आखिर हुआ क्या? देखो हम बच गए। सालेम, सब ठीक है, चिल्लाना बंद करो। दोस्तों, उसने बचा लिया, उसके पीछे चलो। ये तो कमाल हो गया। ओरांग पेंडेक को पता है कि लजीज आम कहाँ मिलते हैं। वो अपने अफसाने से कहीं ज्यादा अलग है। हम उसे तलाश करके मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर हम टीवी पर भी नजर आएंगे। तो पेश है उबैद और उसका खास दोस्त ओरांग पेंडेक। हाँ क्यों नहीं, या फिर ऐसा के तुर्की और ओरांग पेंडेक का पोशीदा मंदिर। रुको रुको रुको, या फिर कुछ ऐसा रखें जैसे सालेम ने सबको बचाया। हाँ बिल्कुल, और जरा बताना तुमने कब बचाया था? दोस्तों चलो चलकर अपना ग्रुप तलाश करें। अरे वाह, ये तो काफी ऊंचा लगता है। ये नजारा तो मैं यकीनन अपनी फिल्म में जरूर रखूंगा। हाँ? हाँ? वाह क्या बात है। ओह हाँ तो हम ऐसे वापस आए। आओ चले। मंसूर तुम लोग हिफाजत से हो ना? जी अब्बा। ओह खुदा का शुक्र है। तुम्हें वापसी का रास्ता कैसे मिला? दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है, यकीन नहीं होगा। गुरूब होते आफ्ताब के जरिए। नहीं बिल्कुल नहीं सालेम, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। हाँ खैर छोड़ो, तुम सबको भूख लगी होगी, चलो कुछ खा पी लो। तुमने ओरांग पेंडेक के बारे में क्यों नहीं बताया? हम सब बहुत मशहूर होने वाले थे। अगर हम सब कुछ बता देते जो हमारे साथ हुआ था तो इस बियाबान में लोगों की भीड़ लग जाती और फिर वो उसको ले जाके चिड़ियाघर में डाल देते और इस तरह उसकी आजादी हमेशा के लिए छिन जाती। ओके, तुम सही हो मंसूर। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेसशिप कमाल का लग रहा है। बेहतरीन, ये मूवी कमाल करेगी। और अब क्राउड कहाँ है? वो रहे वहाँ। बढ़िया। ओके पहले तुम दोनों अंदर जाओ और अपने अपने कपड़े पहन लो, जल्दी करो। ओके और हमारे कपड़ों का क्या? तुम्हारे कपड़े उसमें हैं। ये क्या चीज है? बढ़िया, बेहतरीन। और अब डरावने मॉन्स्टर से मिलते हैं। उबैद, सलेम, हम तैयार हैं। अरे वाह, तुम लोग तो सच में। नहीं नहीं, पूरा नहीं हुआ। असिस्टेंट लेकर आओ। बढ़िया बढ़िया, कमाल के लग रहे हो। वो अब तुम्हें सुनने के काबिल नहीं है। दरअसल उनसे राबता करने का बस एक यही तरीका है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बताओ अंदर कैसा लग रहा है? हम बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। हाँ थोड़ी गर्मी है पर हम संभाल लेंगे। लिबास में एक वॉइस सिंथेसाइजर उनकी आवाज को मॉन्स्टर जैसा असली बना रहा है। बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों चलो शुरू करें। ओके बच्चों एक्शन। और मॉन्स्टर की एंट्री। चलो अब चिल्लाओ। गॉट, बहुत ही बेहतरीन। यकीन नहीं होता कि हम मूवी में काम कर रहे हैं। यकीन नहीं होता कि मैं एक एलियन की पूंछ बना हूँ। तुम चाहो तो जगह बदल सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, हम कर सकते हैं। नहीं उबैद रुको। हेलो हेलो, कोई हमें सुन रहा है? माइक्रोफोन काम नहीं कर रहे हैं। ठीक नहीं है। अगले सीन में तुम्हें मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करनी है। ओके? बिल्कुल तैयार हैं। बढ़िया, तुम तैयार हो? ए मॉन्स्टर, सुनो तो, क्या तुम तैयार हो? उबैद, सलेम, सुन रहे हो? उबैद, सलेम, मेरी बात सुनो। अरे वो देखो, वो नीचे गिर गए होंगे। सलेम, उबैद, सलेम, उबैद, सुन रहे हो? मेरी कार लाओ फौरन। सिर बाहर निकालो। ये फंस गया, उतर नहीं रहा। हम कहाँ होंगे? मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा। तो चलो चलकर किसी की मदद लेते हैं, क्या कहते हो? अच्छा ख्याल है। ए, प्यारी बिल्ली, हेलो प्यारी बिल्ली, रास्ते से हट जाओ। उफ, ये नामुराद कीड़े, मैं इस जगह से तंग आ गया हूँ। सुनो भाई, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। चलो बच्चों, मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। मॉन्स्टर क्या सचमुच स्पेस से आते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। स्पेस से मॉन्स्टर आ गया, चलो। हमारी मदद करो, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है? हम यहाँ भाग जाओ, भाग जाओ, स्पेस से मॉन्स्टर आया है। वो रहे वहाँ। उबैद, हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा हो, हम मुड़ नहीं सकते। बहुत वजन है, मैं इसे काबू नहीं कर सकता। तुमने कुछ सुना? नहीं तो कुछ नहीं सुना। चलो चलो। क्या हो रहा है? मेरे पैर अब जमीन पर नहीं है। अपने बेल्ट को उतार कर आपस में बांध लो, जल्दी करो। घबराना नहीं। जोर लगाओ। आखिरकार अब हम जमीन पर पहुंच ही गए सालिम। मेरे भी, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, लेकिन हमें निकलना चाहिए। नहीं। मेरे सिर पर कुछ है। इससे हटाओ, हटाओ। हम यहाँ कैसे पहुँचे? ये बहुत लंबी कहानी है। खैर, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। बहुत ही अच्छा काम किया सबने। इन लोगों को देखो, इनके पास कैमरा है और सेलफोन भी है। तुम यकीनन मशहूर हो जाओगे। तुम्हें ऐसी मशहूरी कभी नहीं मिल सकती, बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मैं तुम्हें प्रीमियर शो का टिकट दूंगा। तुम्हारा इश्तिहार लगेगा एक्शन करते हुए। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए, बोलो। क्या मुझे पानी मिल सकता है प्लीज? मंगल ग्रह का मॉन्स्टर बनकर प्यास लग गई। स्पेशल एजेंट बदर, मुकाम करीब आ रहा है। खुफिया अड्डा डबल एक्स शंकुल का, खुदा हिफाजत करे। शुक्रिया, मुझे दुआ की जरूरत नहीं। रुक जाओ डबल एक्स शंकुल। अच्छा, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। आखिर तुम और तुम्हारा जासूसी सैटेलाइट पकड़े गए। तुम जेल जाओगे। मुझे ऐसा नहीं लगता एजेंट बदर। हेलो, कैसे हो तुम मंसूर? मुकम्मल। 5 नई इजादे क्या सचमुच काम करती हैं? इन्हें टेस्ट करने का एक रास्ता है। पहले हम इसे ट्राई करते हैं। पीछे रहो। ये है क्या? ये है बाउंसर 1000। ये क्या करता है? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। क्या बात है! क्या मैं भी कोशिश करूँ? हाँ, बिल्कुल। क्या इसे मोड़ना आसान है? हाँ, बस जिस जानिब जाना हो उधर थोड़ा झुक जाओ। ये तो कोई भी कर सकता है। कोई भी, बस उबैद को छोड़कर। मदद करो! अरे नहीं, उबैद को पकड़ना होगा। उबैद, मैं यहाँ हूँ। वहीं पर रुके रहो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। अंदर कैसे जाएं? इसके जरिए। ये क्या है? इस जार में एक रस्सी है, इसे पकड़ना आसान है। पीछे रहो। बहुत खूब मंसूर। तुम ठीक हो उबैद? मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कोले से निकल गया, वरना इसे मोड़ना तो नामुमकिन है। ये जगह है क्या? चलो देखते हैं। कोई है? आओ। रुको। हाँ? कोई है क्या? वो क्या है? पता नहीं। ओह, मुझे यहाँ डर लग रहा है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वही तो है हमारे डरने की वजह। छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। शुक्रिया बच्चों। तुम कौन हो? मैं खुफिया एजेंट हूँ। ये कैसी जगह है? ये एक बहुत बुरे जीनियस का हेडक्वार्टर है। और तुम इस डिब्बे में बंद किस लिए थे? मुझे एक रोबोट ने यहाँ बंद कर दिया था। तो क्या तुम खुलना चाहोगे? हाँ, मेहरबानी। अब हम क्या करें? मैं तुम्हें महफूज रखूंगा, लेकिन पहले मैं शंकुल को पकड़ूंगा और उसका सैटेलाइट बर्बाद करूंगा। बढ़िया है, लगता है मसली मिशन पर है और एक असली जासूस के साथ। हाँ? मेरे पास इससे निपटने के लिए बहुत सारे गैजेट्स तो थे, लेकिन वो सब गायब हो गए। समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूं। मेरे पास कुछ मेरी इजादें हैं, शायद कुछ काम आ सके। तो जल्दी करो। ये क्या है? रॉकेट वाले ट्रेनर्स। इससे हमें क्या मदद मिल सकती है? बस तुम देखते जाओ। बहुत खूब। और अब डबल एक्स शंकुल और इसके सैटेलाइट को देखते हैं। उस सैटेलाइट से दूर रहना। तुम्हें देर हो गई। मंसूर, और कोई गैजेट है तुम्हारे पास? नहीं। बहुत खूब। और अब इसे बर्बाद करना है। पता है क्या करना है। उबैद, इसे पकड़ो। मुझे माफ करना। बहुत खूब उबैद, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम इसे गिरा ही दोगे। मेरा सैटेलाइट तो बर्बाद हो गया, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। आओ, उसे पकड़ें। अरे वाह, ये क्या चीज है? ये मेरी नई इजाद है। तुम सीट पर बैठकर सवारी कर सकते हो। शंकुल, रुक जाओ। उसे भागने नहीं देना है। ये देता हूँ। ये क्या है? ये सुपर स्लाइम है, ये फेंकने से फैल जाता है। बहुत खूब, इसे सभी लोग ले लो, फेंको। मदद करो, मदद करो, मदद करो। कोई फायदा नहीं है, अब तुम बच नहीं सकते। ये बात है। इतने सारे? तुम्हारे पास और गैजेट्स हैं? बस ये बचा है। बहुत खूब। ये क्या करता है? कुछ नहीं, ये रबर की बनी हुई बत्तख है। ओह, पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। मेरे खुफिया हथियार से। और वो क्या है? क्या नहीं, कौन है? तो वो कौन है? तुम हो। मैं? उबैद, जल्दी इसके अंदर बैठ जाओ। ये क्या कर रहे हो? मेरी रोबोट आर्मी। महज उबैद ही इसके लिए मुफीद है। देखा मंसूर, सैटेलाइट और रोबोट आर्मी दोनों बर्बाद हो गए हैं और डबल एक्स शंकुल पकड़ा गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। एक एजेंट के तौर पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे मेरा सबक मिल गया। मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता, और दोस्तों के बिना भी, और गैजेट्स भी। और हम ये उबैद के बिना बिल्कुल नहीं कर पाते, जो है बेहतरीन सबसे बुरा ड्राइवर। जरा वो जजीरा तो देखो। वाह, खूबसूरत है। यकीन नहीं होता कि मैं पैसिफिक ओशियन में हूँ। कुछ देर में बीच पर मिलते हैं। घूमो और मजे करो, लेकिन हाँ, एहतियात से। वाह, जरा देखो तो। ओह, ये तो कमाल की पनडुब्बी है। क्यों ना इसकी सवारी की जाए, इसमें बहुत मजा आएगा। हमें इजाजत हरगिज नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पनडुब्बी बहुत अच्छी है। हाँ, शुक्रिया। आप इसमें क्या करने वाले हैं? हम मरियाना ट्रेंच की गहराई में जाएंगे, जो समंदर का सबसे गहरा और अछूता हिस्सा है। उम्मीद है हम वहाँ कोई नई चीज हासिल कर पाए, जैसे कि उबैद का दिमाग। मजा नहीं आया। आपको क्या मिल सकता है वहाँ? अभी कुछ पता नहीं है। समंदर के अंदर की दुनिया से लोग अब तक काफी नावाकिफ हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्रीचर्स मौजूद हो सकते हैं। समंदर में हैरान करने वाली चीजें होती हैं, बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक, जिनकी तलाश करके आप पशेमान हो जाते हैं। मैं बहुत कुछ करना है। खुदा हाफिज, मिलकर अच्छा लगा। चलो जजीरे का नजारा लेते हैं। वाह! हाँ? 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 माफ करना मुझे, ये मेरी एक नई इजाद है। ये क्या है? होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, इसका निशाना किसी भी जानिब करो, एक दफा बटन दबाओ, उसकी तस्वीर को खींच लो और फिर देखो उसका होलोग्राम। ओह, ये कितना मायूस हो गया है। कुछ खाने के लिए चाहिए? ये खाओगे तुम? अरे वाह, इसे मैं पसंद हूँ क्योंकि तुमसे केले की खुशबू आती है। देखो, यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हें खाना दूंगा। ओ बच्चे, मेरे पास आओ। खुद मुख्तार डुबकी शुरू। नहीं 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 नहीं, ये वाकई बुरा है। इसने तकरीबन सब खा लिया। उबैद, अभी और भी बड़ी परेशानियां हैं यहाँ। हाँ, मसलन? जैसे कि तुमने अभी पैदा की है। गोता चालू है, हम समंदर की जमीन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर हैं। अब हम क्या करेंगे? बेहतर तो फिर सवारी एंजॉय करें। करने को कुछ है भी तो नहीं। बच्चों, क्या मुझे सुन रहे हो? सब खैरियत है? हम सुन रहे हैं, सब ठीक है। यहाँ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का पीछा कर रहे थे जिसे उबैद खाना खिलाना चाहता था, तभी उस वक्त गलती से लॉन्च बटन दब गया। किसका पीछा कर रहे थे? अरे नहीं, मेरी पनडुब्बी में बंदर। परेशान मत हो, तुम सब महफूज हो। जब तक तुम खामोशी से बैठे रहोगे, पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर समंदर के सबसे गहरे हिस्से की जानिब बढ़ रही है। इत्मीनान से बैठे रहें। गरीब चीजें अंदर भी है। देखो मंसूर, एक बंदर, आधा बंदर आधा लड़का। ये मारियाना ट्रेंच है, कोई इंसान यहाँ तक पहले कभी नहीं। क्या बंदर इस गहराई तक पहुँचा है? नहीं 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 लड़के, ना बंदर ना ही इंसान आज तक इस गहराई तक नहीं पहुँचे। हमें स्कैनर पर कोई जिंदा चीज दिख रही है। हाँ? वो केकड़ा हाथी से भी बड़ा है। तकरीबन 10 हाथियों से भी बड़ा है ये तो। हाँ, केकड़ा सलाद बन सकता है, वो भी इतना बड़ा। क्या देख रहे हो तुम लोग? कमाल है, आज तक इसे कैसे किसी ने नहीं देखा। इसकी कद काठी तो देखो, ये तो बेहतरीन खोज है, बेमिसाल। देखो तो सही कैसे देख रहा है। हाँ, जैसे उबैद आइसक्रीम की जानिब देखता है। वो हमें खाना समझ रहा है शायद। डरो मत बच्चों, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। मुझे अफसोस है, हम कुछ नहीं कर सकते। पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर है, इसे रोक नहीं सकते। इसी जानिब आ रहा है और हम भी उसी जानिब जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालो। हम क्या कर सकते हैं? सोचो मंसूर, सोचो जरा। तो फिर क्यों ना हम लोग आखिरी बार खाना खा ले। हाँ, नैनो, क्या तुम इसका सिस्टम ओवरराइड करके मुझे इसका इख्तियार दे सकते हो? कोशिश करूंगा। जल्दी करो नैनो, कोशिश करो नैनो, नहीं तो हम सभी इस केकड़े की खुराक बन जाएंगे। जल्दी करो नैनो जल्दी। सिस्टम ओवरराइड मुकम्मल हो गया। खुद मुख्तार गोता बहुत खूब नैनो बहुत खूब। अब हम यकीनन बाहर निकल सकते हैं। है इससे तेज और नहीं। उसने पकड़ लिया। अब क्या करना मुनासिब होगा? मैं समझ गया, इसे किसी बड़ी चीज से डराना होगा। चलो देखते हैं केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगेगा। वो बेअसर हो गया हम तक का काम से। केकड़ा इतने बड़े बंदर से क्यों नहीं डरा? अब कैसे डराएंगे? इससे जरूर खौफजदा होगा। क्या देखो ओ, इतनी डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी। हमने कर दिखाया। सालिम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी खौफनाक शक्ल से केकड़ा खौफ खा गया। कोई बात नहीं। तो क्या अब हम उसके वापस लौटने से पहले जा सकते हैं? हाँ यही बेहतर होगा। चलो घर चलते हैं। सही सलामत लौट आए बढ़िया। हाँ हाँ और तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज ढूंढ निकाली। क्या करतब था तुम्हारी इस तलाश को सलाम करते हुए। इसका नाम रखते हैं मंसूर केकड़ा। तुम्हें और केकड़े को एक ही नाम मिला। मेरा नाम मंसूर है। मेरा नाम मंसूर है। सालेम की शक्ल के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं डराता। क्या तकलीफ है उबैद? जादू बहुत डरावना है। लेकिन ये महज तमाशा है। क्या मैं इसे ये पहना दूं? मेरा आखिरी और अहम तिलिस्म पेश है। लड़का बना खरगोश। मुझे 3 लोग चाहिए। तुम और तुम। चलो बहन तुम मेरे साथ रहो। क्या आप दोनों इस संदूक की जांच करेंगे? तसल्ली कर ले कि पूरी तरह से खाली है। हाँ ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया। अब आप तशरीफ ले जाएं और इस पर नजर रखें। तुम इस संदूक में दाखिल होकर बैठ जाओ। अबरा खडबरा। बहुत खूब। बेहतरीन। हाँ तुम क्या खूब गायब हुए। मैं तो बस नीचे गिरा लेकिन आपको देखकर हैरानी हुई दादा जान। मैं अक्सर मदरसे की मदद करता रहता हूँ। इसके अलावा जाफर मेरा पुराना दोस्त है। मुझे ऊपर जाना है। आपको इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ और अब मैं संदूक और खरगोश दोनों गायब करूँगा। बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ। ये क्या कर दिया तुमने? उसे पकड़ो, पकड़ो। मंसूर कहाँ गया? हमारे इंतजार में होगा, शायद एंट्रेंस पर। पकड़ लिया। खैरियत तो है मेरे दोस्त? हाँ खैरियत तो है। ओह फ्लॉप्सी, तुमने इन्हें तंग तो नहीं किया ना? जाने से पहले ये जगह साफ करनी होगी। अरे तुम इसकी परवाह मत करो, मैं और मंसूर सब ठीक कर देंगे, तुम जाओ। मदद के लिए आपका शुक्रिया, आप दोनों से मिलके अच्छा लगा, आपके बिना ये मुश्किल था। हम फिर मिलेंगे साखिर। किसी ने मंसूर को देखा? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जब से जादूगर ने उसे खरगोश में तब्दील किया है वो। हो सकता है वो फिर उसे लड़का बनाना भूल गया हो। खैर मुझे जाना है, एक जरूरी काम है, फिर मिलेंगे। हाँ सलीम, मुझे लगता है मंसूर हकीकत में खरगोश बन गया है। मुझे नहीं लगता उबैद कि जादूगर ने असल में मंसूर को। वो देखो। बेहतरीन तमाशा था। याद है जब मैं शैतान जादूगर बना था और तुम भूतिया मातहत। अब तुम्हें यकीन हुआ सालिम? देखा, जादूगर और उसका मातहत अपनी कारस्तानी पर खुश हो रहे हैं। देखो वो रहा मंसूर। क्या? कहाँ? वहाँ उस छोटे पिंजरे में। बचपना मत करो, जादूगर उसे अगवा कर रहा है। उबैद भागो। वापस आओ खरगोश, वापस करो। अरे कोई तो उसे पकड़ो। हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश ले गए, अब मैं क्या करूं? क्या? नामुमकिन, उबैद और सलेम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। यही हुआ है, मेरी मदद करो, मेरा खरगोश ढूंढने में मेरी मदद करो, उसे वापस लाना जरूरी है। जी हाँ, हम करेंगे। जाओ खरगोश लेकर आओ। क्या कर रहे हो उबैद? तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये मंसूर ही है? हाँ, ये मंसूर है, इसकी शक्ल देखो, देखो। उन दोनों के फोन बंद है शायद, नैनो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नैनो, क्या तुम उबैद और सलेम के घर के ऊपर प्रवास कर सकते हो? मुझे उनकी जरूरत है। यकीनन। नैनो मेरा एक असिस्टेंट है, एक रोबोट जो प्रवास करता है, मेरी इजाद है। उड़ने वाला रोबोट? लेकिन लोग तो मुझे होशियार जादूगर कहते हैं, पर तुमने अपनी अकल से परवाजी रोबोट बना दिया। उबैद, हमें इसे मदर से ले जाना चाहिए। नहीं, मैं इसे दोबारा लड़के में तब्दील करने की कोशिश करूँगा। क्या? मंसूर, 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 ये तब्दील क्यों नहीं हो रहा? हो गई तसल्ली। हमें जादूगर के पास जाकर अपना मंसूर मांगना होगा। मंसूर, सलेम घर पर नहीं है। शुक्रिया नैनो, अब उबैद का पता करोगे? क्यों नहीं। हेलो शम्मा, उबैद और सलेम को देखा? वो एक खरगोश उठा के ले गए हैं। क्या? ओह, अब याद आया, उन्होंने मदरसे से निकलते वक्त मैजिक ट्रिक के बारे में कहा था और मैंने मजाक में कहा कि तुम हमेशा के लिए खरगोश में तब्दील हो गए हो। उबैद ने मेरा यकीन कर लिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने यकीन किया होगा। उबैद हरगिज कर सकता है। मंसूर, वो उबैद के घर पर भी नहीं मिले। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जा सकते हो। ए सुनो। हेलो, तुम फ्लॉप्सी ले आए? ये मंसूर है, ये बदल गया है। तुम हमें फिर से जाफर के पास ले चलो। हम उससे कहेंगे कि इसे दोबारा जादू से मंसूर बना दे। जाफर, हेलो। खेल खत्म हो गया। मुझे फ्लॉप्सी के साथ दो लड़के मिले हैं, यानी मंसूर। उन्हें उसे फिर से लड़के में तब्दील कराना है। हाँ हाँ ठीक है, मिलता हूँ। बढ़िया, जाफर मान गया। आओ तुम्हारे दोस्त के घर चले। मैं भीख मांगता हूँ, इसे वापस मंसूर बना दीजिए। हम इसके बिना नहीं रह सकते, बराए मेहरबानी कर दीजिए। अबरा कडाबरा। मंसूर, तुम वापस आ गए। हेलो वैद, खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? हाँ, मुझे मजा तो आया उबैद, लेकिन मैं लड़का ही रहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई। अब मैं इसे आइसक्रीम बना रहा हूँ। नहीं, बहुत हुआ। इसके पिघलने से पेशतर बदल दो इसे। अबरा कडाबरा। फिक्र की कोई बात नहीं है उबैद, लेकिन मुख्तलिफ चीजों में तब्दील होने में बहुत मजा आता है। ये लो। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ हाँ, हमारी बेहद पसंदीदा कहानी रहेगी। उबैद, देखो ये है मंसूर। हाँ हाँ हाँ, मजा नहीं आया। आओ आओ मंसूर, हम मदद करेंगे। आओ आओ ना मंसूर, आओ आओ